kids, welcome to your English class and I'm your teacher and mentor Ananya and I'm back with a new lesson of your English book that is Literary Journeys for Class 8 by Brainroot Publications. Children, today we are going to start lesson number 10 which is India's Maritime Marvel. So, aaj hum naval ships ke baare mein padhenge. You know that India has a vast coastline. है ना, इंडिया का कोस्ट लाइन जो है वो बहुत बड़ा है. इनफैक्ट रादर इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. तीनों तरफ से इंडिया जो है पानी से घिरा हुआ है एंड दैट मेक्स इट आइडियल फॉर डूइंग द मैरीन टाइम ट्रेड एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सी एंड अदर कंट्रीज. लाइक अदर कंट्रीज मे अटैक थ्रू सी ऑल्सो. सो even our defense forces, especially the navy, Indian navy is always very much vigilant to protect us in our waterways. All right, to aaj hum ek aisa hi chapter padhenge. Let's get started. The present chapter tells us our Indian navy is capable in every field. What are its characteristics and tells us about its ability to conquer the sea. Read the names of the awards. Do you know whom these awards are bestowed and why? ये कुछ अवार्ड्स के नाम हैं जो कि ब्रेवरी पर दिए जाते हैं. किसी डिफेंस फोर्स में जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है या परफॉर्म करता है या देश के लिए अपनी सर्विसेज देता है तब उनको ये डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, वायुसेना चक्र, अशोक चक्र एंड नौसेना मेडल. ऑल राइट, दीज ऑल मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द people who are serving the nation via defense forces. Clear? Army, Navy and Air Force. इन लोगों के अच्छे काम के लिए इनको motivation के तौर पर या सराहना के तौर पर ये सारे awards और medals दिए जाते हैं. Okay? Now let us read this passage about Indian Navy, the naval branch of the armed forces. The President of India serves as the supreme commander of the armed forces and the chief of the naval staff heads. द इंडियन नेवी. सो आज हम इंडियन नेवी और नेवल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे. प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो इनके सुप्रीम हेड माने जाते हैं, मतलब डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम हेड माने जाते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. अमन वॉज डिस्ट्रैक्टेड सिंस मॉर्निंग एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लेसन्स. ही कुड नॉट इवन एन्जॉय द गेम ऑफ क्रिकेट दैट द सीनियर बॉयज प्लेड अगेंस्ट द टीम ऑफ अ नेबरिंग स्कूल and won hands down. He was longing to get home and talk to Uncle Vikrant who has come home on a short holiday. Uncle Vikrant served the Indian Navy and he always regaled Aman and his friends with stories of his voyages and interesting experiences. So Aman, aap hi logo ki tarah ek chhota sa bachcha hai jo ki is waqt school mein hai, lekin pata nahi kyun aaj uska dhyan bata hua hai. उसका ध्यान जो है बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है. इवन सीनियर बॉयज़ के साथ जो फुटबॉल मैच था उसमें भी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था. उसको तो बस एक ही धुन सवार थी कि कब छुट्टी होगी और कब वो जल्दी से घर जाएगा. तो क्या लगता है आपको, अमन क्यों इतना ज़्यादा उत्सुक है घर जाने के लिए? अमन इतना उत्सुक इसीलिए है क्योंकि उसके घर में उसके अंकल विक्रांत आए हुए हैं. एंड हु इज़ विक्रांत? विक्रांत इज़ अ नेवल ऑफिसर. वो नेवी में काम करते हैं और जब भी अंकल विक्रांत उनके घर आते हैं तो अमन और अमन के दोस्तों को वो अपनी जो है एडवेंचरस कहानियाँ बताते हैं इंडियन नेवी में सर्विस करते हुए. वो जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं थ्रू शिप वो सारी स्टोरीज़ अमन को बताते हैं. The joyous anticipation of stories that awaited him gave wings to Aman's feet and he rushed home as soon as the school was over. तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई अमन जो है भागता हुआ अपने घर पहुंचा, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंकल विक्रांत से मिलना चाहता था और उनकी सारी कहानियाँ और किस्से सुनना चाहता था. अंकल विक्रांत वॉज इन वरांदा सिपिंग अ कप ऑफ टी एंड चैटिंग लेजरली विद अ फ्रेंड ऑफ हिज व्हेन अमन रीच्ड होम. ही स्माइल्ड चीयरफुली एट हिम एंड सेड, नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग? अमन शुक हिज हेड वेहेमेंटली. सो अंकल विक्रांत क्या कर रहे थे? अंकल विक्रांत वरामदे में बैठ के चाय पी रहे थे जब अमन घर पहुंचा.
और उसके किसी दोस्त के साथ बात कर रहे थे। जब उन्होंने अमन को देखा तो उन्होंने बहुत ही खुशी से अमन की तरफ वेव किया, हाय किया और फिर पूछा, आज शाम को फुटबॉल नहीं खेलने जा रहे हो? तो अमन ने इमीडिएटली मना कर दिया। नो यू प्रॉमिस मी दैट यू वुड टेल मी ऑल अबाउट योर वर्क, यू कांट बैक आउट नाउ। आई डोंट मीन टू, सेड अंकल विक्रांत। My friend Naren, who also works with me and is posted on the same ship, and I will answer all your questions and tell you all that you wish to know. अब अंकल विक्रांत और उनके दोस्त नरेन वहीं बैठ के चाय पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। तब अमन ने कहा, नहीं मैं आज कोई फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा हूँ, आप अपना प्रॉमिस मत भूलिए। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब आप इस बार आएंगे तो मुझे अपनी सारी कहानियाँ सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोग क्या काम करते हैं और वो काम किस तरीके से होता है। अंकल विक्रांत भी खुशी खुशी राज़ी हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने मना कब किया है, देखो मैं अपने साथ अपने फ्रेंड नरेन को लेके आया हूँ, वो भी मेरे साथ उसी शिप पे काम करते हैं। हम दोनों तुम्हारी सारी सवालों के जवाब देंगे, जो जो तुम्हें पूछना है तुम आराम से पूछ सकते हो। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेवी इज़ टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन सो दैट एनिमीज डोंट टारगेट अस, इज़न्ट इट? आस्क्ड अमन। अब अमन ने अंकल से पूछना शुरू किया कि नेवी का मेन पर्पस क्या है, हमारी कोस्ट लाइन को दुश्मनों से बचाना, यही तो है ना नेवी का मेन पर्पस? अंकल नॉडेड एंड सेड, यू नो अमन, आवर कंट्री हैज़ अबंडेंट ओशनिक वेल्थ कंप्राइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड टेरिटरीज। ओवर 1 lakh ships pass through the international shipping lanes of this region every year. About 1,000 million tons of oil is shipped annually around the world from the oil wells of Persian Gulf through the waters close to India. So, अंकल अमन की बातें सुन के हैरान हो गए। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत ही प्यार से अमन को समझाते हुए बोला कि सी अमन, हमारा काम प्रोटेक्ट करना तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। इंडिया का कोस्ट लाइन दुनिया में बड़े कोस्ट लाइन्स में से आता है और हमारे पास कई सारे ओशंस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ हमारे बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, एंड जस्ट बिलो वी हैव इंडियन ओशन, है ना। तो तीनों तरफ से पानी से घिरे होने की वजह से जो है बहुत सारा वाटरवेज हमें मिल जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पे कई सारे द्वीप और टापू भी हैं। ठीक है, 1 lakh के करीब यहाँ पे समुद्री द्वीप हैं, और 1,000 से भी ज़्यादा मिलियन जो है पेट्रोलियम या ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल शिपिंग या इंटरनेशनल शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन इन वाटरवेज में हमेशा ही चलती रहती हैं। तो ये ठीक से कहीं रास्ता ना भटक जाए, इनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, हर चीज़ हर जगह पे ठीक से पहुंच जाए, ये देखना भी नेवी का ही काम है। एंड नॉट ओनली दैट, सेड नरेन, फिशिंग, सी फूड इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस फ्रॉम ऑफशोर ऑयल रिंग्स, सॉल्ट, पर्ल्स, मिनरल्स फ्रॉम द सी बेड एंड टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आर अदर बेनिफिट दैट वी डिराइव फ्रॉम सीज एंड ओशंस। सो वी आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली द कोस्ट लाइन बट ऑल्सो द प्लेंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी हैव। अब विक्रांत अंकल के फ्रेंड नरेन ने इसमें आगे बताया कि अमन, सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा हमें हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है यानी हमारे जो ओशंस हैं, समुद्र हैं, उनमें से बहुत सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑयल रिफाइनिंग बेड्स में से हमें ऑयल मिलता है, बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं सॉल्ट, पर्ल्स यानी मोती, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, फिशिंग इंडस्ट्री, है ना, ये सब बहुत प्राइम इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका ध्यान रखना या जिनको प्रोटेक्शन देना, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, ये सब देखना भी हम नेवी के लोगों का ही काम है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट तो हम करते ही हैं, साथ में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम भी नेवी ही करती है। Besides this, Indian Navy is also a catalyst for peace, tranquility and stability. Catalyst means a medium, all right? इसके अलावा Indian Navy एक peacemaker भी है,
अलग अलग राज्य हैं आसपास इंडिया के, उन लोगों के साथ कोई जंग ना छिड़ जाए, कहीं पे समुंदर में किसी के ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे, ये सब देखना भी इंडियन नेवी के काम में से ही एक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड सकर टू स्मॉल नेशन व्हेन दे आर इन नीड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज सच एज सुनामीज, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। अगर हमारी नेबरिंग किसी कंट्री में ऑल ऑफ अ सडन सुनामी आ जाए या फ्लड आ जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए या किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, उस सिचुएशन में भी इंडियन नेवी आगे बढ़ के उनको रिहैबिलिटेशन करने में या उनको वापस से एक नॉर्मल लाइफ में लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अमन वॉज लॉस्ट इन थॉट फॉर अ मोमेंट। व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द इंडियन नेवी हैज़। No wonder his uncle looked preoccupied sometimes. Suddenly he sat up straight. How many ships do you have in Navy, uncle? He asked. अब अमन को जब अंकल नरेन और अंकल विक्रांत ये सारी बातें बता रहे थे, वो मानो उनकी बातों में खो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि वो तो सिर्फ इंडियन नेवी का प्रोटेक्टर के तौर पे काम समझता था, पर एक्चुअली इंडियन नेवी इतना कुछ करती है, और इसीलिए कई बार उसने देखा है कि अंकल विक्रांत काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। अचानक अमन सोच से बाहर आया और सीधे होके बैठ गया और पूछने लगा, अच्छा अंकल ये तो बताइए कि इंडियन नेवी में कितनी शिप्स है हमारे पास। द इंडियन नेवी इज़ फॉर्मिडेबल फोर्स टुडे, सेड अंकल विक्रांत प्राउडली। वी हैव 150 शिप्स एंड सबमरीन्स एंड मोर देन 300 एयरक्राफ्ट्स। Ours is the fifth largest navy in the world now. तो अंकल विक्रांत ने बताया, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडियन नेवी वर्ल्ड नेवल फोर्सेज में फिफ्थ पोजिशन पर आती है। हमारे पास 150 ships और submarines हैं, और इसके अलावा 300 aircrafts भी हैं। I admire your uniform, said Amin with a shy smile. I think both of you really look very handsome in it. एंड अमन ने बोला कि पता है अंकल, मुझे ना आप दोनों की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है, आप दोनों यूनिफॉर्म में बहुत ही अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। थैंक यू, सेड अंकल एंड नरेन टुगेदर। अंकल विक्रांत फ्रेंड देन एडेड, बट डू यू नो व्हाट इज़ अवर मोटो। इट इज़ शाम नो वरुद, अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ ओशंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। सो अंकल नरेन और विक्रांत ने अमन को थैंक यू बोला, और नरेन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है इंडियन नेवी का मोटो क्या है? उन्होंने बताया, इंडियन नेवी का मोटो एक संस्कृत शब्द से आता है जिसका नाम है शाम नो वरुणा। शाम नो वरुणा का अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि हम वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। We do not need the protection of seas, said Uncle Vikrant. One of the most daring and courageous operations took place on 3rd and 4th December in 1971 during the Indo-Pak War. Many of Pakistan's ships were destroyed in the Karachi harbor. So, what did Uncle Vikrant say? Ki yes, it is very important ki hum apne ocean waters ko protect karein, kyunki hamara kafi sara हिस्सा जो है कोस्ट लाइन और ओशन वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम्हें पता है कि 3rd और 4th December को एक बार इंडो पॉक वॉर के दौरान 1971 में हमने पाकिस्तान आर्मी की ऑलमोस्ट कई सारी शिप्स जो हैं कराची हार्बर पर डिस्ट्रॉय की थी। इज दैट द ओनली रीज़न वाई 4th December इज सेलिब्रेटेड एज अ नेवी डे? तो अमन ने एकदम से पूछा कि क्या इसी अचीवमेंट के चलते अंकल हम लोग हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं? यू आर स्मार्ट अमन, सेड अंकल विक्रांत पैटिंग हिज नेफ्यूज हेड अफेक्शनेटली। यस, सच अ डेयरिंग फीट डिजर्व्स टू बी रिकॉल्ड एवरी ईयर, डजंट इट? अमन नॉडेड हैप्पीली, थिंकिंग ऑफ हाउ प्राउड द नेशन मस्ट बी ऑफ हर हीरोज। तो अमन ने कहा कि अच्छा, आप मुझे पता चला कि 4 दिसंबर को इसीलिए हम नेवी डे मनाते हैं। अंकल विक्रांत ने अपने भतीजे का सर जो है थपथपाया, सर को सहलाया और पीठ थपथपाई, और फिर कहा कि तुम बहुत स्मार्ट हो अमन,
तुम बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप कर लेते हो। अमन मन ही मन सोचने लगा कि ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, हमारी जो मातृभूमि है यानी धरती माँ है वो भी कितना प्राउड फील करती होगी अपने वीर जवानों को लेके। बट रिमेंबर अमन, अ गुड नेवी इज़ नॉट ओनली अबाउट वॉर एंड फाइटिंग ऑन द सीज। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर US प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट, अ गुड नेवी इज़ नॉट अ प्रोवोकेशन टू वॉर, इट इज़ द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस। इसी के साथ अंकल विक्रांत ने बोला, लेकिन अमन ये हमेशा याद रखना कि एक गुड नेवी या आर्मी तभी है जब वो वॉर को प्रोवोकेट ना करे बल्कि वॉर की संभावना को कम करके चारों तरफ शांति को बरकरार रख सके। ठीक है, वॉर सिर्फ तभी होनी चाहिए जब सर सिचुएशन बिल्कुल ही हाथ से बाहर चली गई है, हमारे हाथ में और कोई विकल्प नहीं है और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो हमेशा हमें शांति का रास्ता ही अपनाना चाहिए। आई विल टेल यू हाउ द वर्क ऑन अ वॉरशिप इज कैरिड आउट, सेड नरेन। लाइफ ऑन अ वॉरशिप और अ सबमरीन इज फ्रॉट विद चैलेंजेस। A warship, a submarine, or a naval air station is commanded by a commanding officer. He is assisted by executive officer and the executive department and is the second in command. The other heads of the departments are responsible to the CEO for the efficient functioning of their respective departments. So Uncle Naren ne अमन को बताना शुरू किया कि पता है जब वॉर की सिचुएशन होती है तो हमारे सबमरीन्स, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स और हमारी वॉरशिप्स वो एक्टिव हो जाती हैं, और तुम्हें पता है वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं और उनमें काम करते वक्त भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस करने पड़ते हैं। इन सभी वॉरशिप्स का जो हेड है दैट इज़ कमांडिंग ऑफिसर यानी CO। कमांडिंग ऑफिसर के नीचे आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, और उसके बाद वो सेकेंड इन कमांड आते हैं यानी CO के बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं जो कि कमांडिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को काम को सही तरीके से करने में मदद करते हैं। द इंजीनियर ऑफिसर मेंटेन्स द शिप, द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मेंटेन्स द केपेबिलिटी टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड एंड लुक्स आफ्टर द वेपन्स एंड सेंसर्स। अब सारा काम जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बटा हुआ है। जैसे जो इंजीनियर हैं वो शिप की मेंटेनेंस को देखते हैं कि शिप ठीक ठाक से चल रही है, जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं वो शिप में इलेक्ट्रिसिटी, वेपन्स इन सब का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से द लॉजिस्टिक ऑफिसर लुक आफ्टर द सप्लाई ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड फ्यूल एंड एंश्योर्स दैट द मेन आर वेल टेकन केयर ऑफ। जो लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं वो स्टॉक मैनेजर की तरह काम करते हैं, वो जो लोग शिप पर हैं उन सब के खाने पीने का, पहनने का, रहने का, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं, और ये भी ध्यान में रखते हैं कि शिप पर किसी को कोई परेशानी ना हो। A small kitchen called the galley in a warship or submarine is the life of the vessel wherein two or three cooks working round the clock in a small confined space produce sumptuous food and hygienic meals for the shipmates. इसके अलावा एक छोटा सा किचन एरिया दिया जाता है जहाँ पे तीन या चार कुक्स जो हैं लगातार खाना बना के सप्लाई करते रहते हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। It is important to ensure the administration is efficient, continued Uncle Vikrant, for life at sea is full of challenges and quick decisions. Every individual is entrusted with a specific role for which he or she has been specifically trained. अब अंकल विक्रांत ने कहा कि ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है पर actually it is very very challenging. इतना आसान ये है नहीं, इसीलिए हर एक इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, और इन सभी को वो इंसान ठीक से पूरा कर सके इसके लिए उन्हें पहले से ही बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम ऑफिसर्स ऑन द शिप वुड बी प्रोफिशिएंट नेविगेटर्स व्हाइल अदर्स मे बी एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ वेपन्स such as missiles, gun and torpedoes. यानी कि
कुछ लोग जो हैं वेपन्स चलाने में एक्सपर्ट होंगे कि किसी ने हमला कर दिया तो उस हमले को रोकना है या वापस से हमला करना है, और कुछ लोग शिप तरीके से अपना ट्रैवल पूरा करे या जिस रास्ते पे तय किया है उसी डायरेक्शन में शिप जाए, नेविगेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। ऑलराइट, तो हर कोई अपना अपना काम बहुत ही तरीके से और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। आई वुड लाइक टू बी अ पायलट इन द नेवी, सेड अमन सडनली। आई थिंक इट वुड बी डेंजरस बट रिवॉर्डिंग। डू यू थिंक आई कैन बी अ पायलट इफ आई वर्क हार्ड टूवर्ड्स माई गोल, अंकल विक्रांत? आस्क्ड अमन, लुकिंग एट द टू मैन एक्सपेक्टेंटली। अब अमन ने एकदम से बोला, मैं ना नेवी में पायलट बनना चाहूँगा, जो एयरक्राफ्ट से नेवी की मैं उनको उड़ाना चाहूँगा। What do you say, अंकल विक्रांत, मैं बन सकता हूँ ना? अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो ज़रूर मैं अच्छा पायलट बनूँगा, है ना? Of course you can, said uncle Vikrant unhesitatingly. The pilots in the navy could get an opportunity to fly a range of aircraft from fighter planes, that is MiG-29K, to large Boeings to helicopters from small decks of ships operating over calm to rough seas by day or night. तो अंकल विक्रांत ने बताया कि बिल्कुल अमन, अगर हम अपना लक्ष्य ठान लें और उसकी तरफ पूरी निष्ठा के साथ काम करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। और अगर सच में तुम किसी दिन पायलट बने तो तुम्हें तो बहुत सारी एयरक्राफ्ट चलाने का मौका मिलेगा। तुम MiG-29K भी चला सकते हो, बोइंग्स, बड़ी बड़ी जो बोइंग्स है वो चला सकते हो, हेलीकॉप्टर्स चला सकते हो, छोटी छोटी एयरक्राफ्ट चला सकते हो, एंड वॉट नॉट। द नेवी हैज़ ऑल्सो ऑफिसर्स एंड मैन हु स्पेशलाइज एज मैरीन कमांडोज, दे आर नोन एज मार्कोज, हु फॉर्म अ स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, एक स्पेशल कमांडो फोर्स होती है नेवी की जिसको हम मार्कोस बोलते हैं, और जो लोग एक कमांडो फोर्स चलाते हैं नेवी के अंदर, ये स्पेशल फोर्स होती है जो ज़रूरत के वक्त एक्टिवेट की जाती है। डू आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट सी, आस्क्ड अमन एंड अंकल विक्रांत लाफ्ड। तो अमन ने पूछा, अच्छा अंकल, अगर मैंने कभी इंडियन नेवी ज्वाइन की तो क्या मुझे अपना ज़्यादातर समय सागर या समुंदर में ही गुजारना पड़ेगा? और अमन की बातें सुन के अंकल विक्रांत जो है वो हंस पड़े। आर यू हैविंग अ सेकेंड थॉट्स अबाउट ज्वाइनिंग द नेवी, ही आस्क्ड इन हिज फोरथराइट मैनर, एंड अमन लुक्ड अ ट्राइफल अबैश्ड। अमन, द शिप हैज़ इट्स ओन होम पोर्ट एंड वन गेट्स टू स्पेंड सम टाइम इन और क्लोज टू द पोर्ट। एवरी इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट far flung places in India and abroad. Blessed at sea, the Navy looks after welfare of our families through a family welfare cell which is manned 24/7. तो विक्रांत अंकल ने बताया कि सी अमन, ऐसा नहीं है कि तुम सारे दिन ही समुंदर में रहोगे। समुंदर में जिस वक्त काम होता है उस वक्त नेवी ऑफिसर्स शिप्स पे रहते हैं। अगर तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें किसी वजह से कोई ड्यूटी पे जाना है, कोई टास्क असाइन हुआ है, तब अदरवाइज़ तुम पोर्ट पे रह सकते हो। पोर्ट्स पे शिप के जो ऑफिसर्स हैं उनको रहने के लिए जगह होती है। इसके अलावा वो लोग इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, जब कहीं पे भी विज़िट करना हो वहाँ जा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, उनकी फैमिलीज़ का ध्यान रखने के लिए भी 24/7 एक वेलफेयर कमेटी काम करती रहती है, ताकि किसी भी तरह से किसी को भी कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। सो आर ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड, यंग मैन? आस्क्ड नरेन। अमन नॉडेड एंड थैंक्ड हिम एंड हिज अंकल। तो नरेन ने पूछा, क्या बात है यंग मैन, क्या तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें सही सही मिल गए? तो अमन ने सर हिला दिया मुस्कुराते हुए और दोनों अंकल को थैंक यू भी कहा। देन होल्डिंग हिज अंकल्स हैंड ही आस्क्ड, वुड बोथ ऑफ यू कम ओवर टू अवर स्कूल टू एड्रेस द स्टूडेंट्स? माई क्लासमेट्स आर ईगर टू नो हाउ द नेवी वर्क्स एंड वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट इट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। इफ़ यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसिस विद अस, इट वुड बी वंडरफुल। फिर अमन ने बड़े ही चाव के साथ अंकल विक्रांत का हाथ पकड़ा और बोला,
क्या आप मेरे स्कूल आएंगे हमारे बच्चों को नेवी के बारे में बताने के लिए? मेरे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं जानने के लिए कि नेवी कैसे काम करता है। अगर आप आएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। वी सर्टेनली विल, सेट द टू फ्रेंड्स टुगेदर, कीप योर क्वेश्चंस रेडी एंड वी विल बी देयर टू आंसर देम। Aman thanked them and the three of them went out to the ice cream parlor to have the treat that naval officer had promised his nephew. तो दोनों अंकल्स ने बोला, बिल्कुल अमन, हम ज़रूर आएंगे, तुम सब अपने क्वेश्चंस रेडी रखना, जितने भी सवाल तुम्हें पूछने हो बिल्कुल पूछो और हम सारे सवालों के आंसर देंगे। अब चलो, जैसा कि प्रॉमिस किया था तुम्हें, चलो वी विल गो फॉर अ आइसक्रीम ट्रीट। और तीनों लोग, यानी कि अमन, अंकल विक्रांत एंड उनके फ्रेंड नरेन, तीनों लोग आइसक्रीम पार्लर गए क्योंकि अंकल विक्रांत ने प्रॉमिस किया था अपने भतीजे को कि वो उन्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इजंट इट? ऑलराइट, सो बेसिक थिंग इज दैट द चैप्टर टेल्स अस अबाउट द एंटायर वर्क एंड सेटअप ऑफ इंडियन नेवी फोर्सेस, राइट? इंडियन नेवल फोर्सेस किस तरह से काम करती है, क्या क्या करती है, वो सब कुछ काफ़ी हद तक ये चैप्टर हमें आंसर करता है। एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग पढ़ने के बाद सोच रहे होंगे कि आगे चल के हम भी इंडियन नेवी ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स गो थ्रू द ग्लॉसरी वंस। हेयर आर द वर्ड मीनिंग्स। रिगेल्ड मीन्स एंटरटेन बाय टेलिंग अ स्टोरी, यानी किसी को कहानी सुना के एंटरटेन करना। वेमहेलमली मीन्स अ फोर्सफुल एनर्जी। Catalyst means something that causes a change, a medium that causes a change. Tranquility means calm, shant. Skir means support. Formidable means very impressive. Provocation means to make something or someone angry. Alright, fraught means filled with something unpleasant, है ना? बहुत सारे ऐसे challenges जो शायद हमें पसंद ना आए। Navigators means people who direct the course of the ship, यानी ship का direction जो लोग check करते हैं उन्हें हम navigators बोलते हैं। Torpedoes, water, underwater missiles को हम torpedoes बोलते हैं। A trifle, that is slightly, abashed means embarrassed, ठीक है, शर्मिंदा होना। So we have done the word meanings, now it's time to do the question and answers. चलो let's get started. The first one, multiple choice questions we have to do. Aman was distracted since morning because he wanted to play cricket, he wanted to watch a match, he wanted to watch a movie, he wanted to talk to Uncle Vikrant. So the D option is correct. वो अपने Uncle Vikrant जो कि Navy में काम करते थे उनसे बात करने के लिए उत्सुक था. Second, Uncle Vikrant had promised to take Aman on a ship, play cricket with him, tell him about his work, go for a movie with him. अंकल विक्रांत ने क्या प्रॉमिस किया था? टू टेल हिम अबाउट हिज वर्क, अपने काम के बारे में अमन को जानकारी देंगे। थर्ड, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेवी डे एवरी ईयर? 4th July, 4th November, 4th December, 14th August. सो 4th December इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन नेवी डे या नेवी डे एवरी ईयर। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। नाउ फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, Who said that a good navy is the surest guarantee of peace? Indian Prime Minister, Indian President, UK Prime Minister, former US President. So former US President is the correct option, okay? Now fifth one, over dash ships pass through the international shipping lanes. Kitni ships pass karti hain har rose almost, kitni ships pass karti hain? Almost 10,000 ships pass the international shipping lanes every time. Clear? Alright. Now let's read these sentences and answer the questions that follow. हमें चैप्टर में से एक सेंटेंस दे दिया गया है, हमें वो चैप्टर का सेंटेंस को पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर ढूंढना है. I would like to be a pilot in Navy. I think it would be dangerous but rewarding. Who said these words to whom? Aman said these words to Uncle Vikrant and Uncle Naren. ठीक है? B, why do you think it would be dangerous to be a pilot in the Navy? It would be dangerous to be a pilot in the Navy because
you have to face many challenging situations. Alright, at times enemies might attack or even you have to survive in deadliest of situations. Okay. See, why would it be rewarding? It would be rewarding because it is a very, very prestigious job. People look up to the uniform men. Those who are working in defense services, they are always a bit different from the rest of the civilian people. Not only that, if you work properly, then you may become famous also and you might get awarded by the prestigious awards by the Indian government. Okay. Second question, why are you having second thoughts about joining Navy? Who said these words to whom? Uncle Vikrant said these words to Aman. What does it mean to have second thought? Second thought, yeah, having second thought means to think or reconsider any decision. यानी जब हम किसी विचार को दोबारा सोचते हैं, दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, that is called second thought. यानी जब हम दूसरा opinion form कर लेते हैं, ठीक है? So second thought, yeah, having second thought means having a different opinion to something or rethinking or redeciding. Clear? See, why might the listener be having second thought? The listener might be having second thoughts because Uncle Vikrant and Naren told him about all the dangers that a person has to face while on a Navy duty. Alright, when a person is serving as a naval officer, he has to undergo a rigorous training and plus the life is not always very glorious. It is in fact very challenges, full of challenges, and this challenging life might make somebody a bit tensed, and that is why the person can have a second thought of joining army or not. Okay. So I think children that you have noted all the questions, whatever we have discussed, you have noted the key points in your notebook. So with this we are done with a beautiful chapter. I hope you have understood the chapter quite well and you enjoyed the session. So for today we are done. I will again meet you with a new lesson of your book where we again will explore something interesting and innovative. So bye bye and take care. Stay tuned for the upcoming video.